वन डबल नाइन रुपीज एवरी वन जहां पर आपको पूरे के पूरे

एंड नोएडा सेंटर एवरीबॉडी कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे इन हेल्पलाइन नंबर्स पर एंड एड्रेसेस आर आल्सो मेन्शन जस्ट अंडर दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवरीबॉडी तो लाइक like, इंतजार किस चीज का है जल्दी से आइए डू ज्वाइन सीरीज़ आप एवरीबॉडी ऑफलाइन बोर्ड बूस्टर सीरीज और ऑनलाइन हम कंडक्ट करेंगे बोर्ड बूस्टर कोर्स बोर्ड बूस्टर कोर्स एवरीबॉडी सो डोंट टू डू ओनली एट रुपीजन एवरी वन तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर दैट एवरीबॉडी अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो इस चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आया है, जो को पहली -पहली बार देख रहा है तो मैं अपने आप में का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप सभी लोगों को मैथ्स sure जो डरावनी और जो बोरिंग लगती है वो बोरिंग ना लगे आई ट्राई टू मेक मैथ्स मोर इंटर लिटिल मोर इंटरेस्टिंग फॉर सो फॉर गेटिंग वेरी

मोस्ट फेमस स्टोरी लाइक जो मैम करती है इस चैप्टर की वो आज आप सुनने वाले हैं <laughs> काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिससे कि आप कभी भी टाइप्स ऑफ नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे तो स्टोरी ऑफ नंबर्स फॉर वी आर गोइंग टू डू रियल नंबर्स हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स हम करने वाले हैं और यूग्लिट डिवीजन लेमा का मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगी बट सीबीएसई ने यूग्लिक डिवीजन लेमा को अपने सिलेबस से बिल्कुल आउट कर, मतलब, कर दिया है मतलब एलिमिनेट कर दिया है डिलीट कर दिया गया है ये टॉपिक

और दोस बेटाज एज़ वेल तो मैथमेटिक्स के चार सन हुआ करते थे सबसे छोटा बेटा से बड़ा बेटा उससे बड़ा बेटा और घर के सुपुत्र सबसे बड़े ठीक है तो अभी घर के सबसे छोटे बेटे का नाम था भाई नेचुरल नंबर्स क्या नाम था नेचुरल नंबर्स ध्यान से समझना कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं प्रियल मैम इज देयर

ये नेचुरल नंबर तुम्हारे पास तो कोई पावर ही नहीं है योर फादर इज सो तो पावरफुल बट तुम तो उनसे मिलते ही नहीं हो तुम्हारे पास तो कोई भी पावर नहीं है यू आर सो डफर तो नेचुरल तो नंबर को ये चीज बहुत हर्ट हो गई किसी को भी हो जाएगी तो नेचुरल नंबर दौड़े दौड़े अपने डैडी के पास आए मैथमेटिक्स के पास आए और उनसे बोला कि डैडी मेरे को स्कूल में सब बहुत चढ़ा रहे थे कि मेरे पास कोई स्पेशल पावर ही नहीं है लाइक यू आर सो पावरफुल बट मेरे पास कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है तो मैथमेटिक्स ने बोला डोंट वरी माई सन आई गिव यू आर स्पेशल पावर तो मैथमेटिक्स ने नेचुरल नंबर को एक वरदान दे दिया कि भाई नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू थ्री एंड मूव्स टिल इन्फिनिटी ये एक स्पेशल पावर थी जो मैथमेटिक्स ने नैचुरल नंबर को दे दी दिस वाज़ द स्पेशल पावर विच वाज़ गिवन बाय मैथमेटिक्स टू द एल्डेस्ट टू द यंगेस्ट सन दैट वाज़ नेचुरल नंबर्स दैट नैचुरल नंबर्स विल भी स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड इट विल मूव टूवर्ड्स इन्फिनिटी इसका कोई एंड नहीं होगा एक और चीज़ इसको घर का सबसे छोटा बेटा था तो एक और चीज एक्स्ट्रा मिली नेचुरल नंबर को दैट वॉज एन निक नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स सॉर्टेड क्लियर कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई डाउट नहीं पक्का चले फिर इसी के बाद अब क्या हुआ नेचुरल नंबर को तो एक स्पेशल पावर मिल गई दैट द नंबर्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड मूव्स टू इन्फिनिटी वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर ठीक है इतना सबको क्लियर हो गया सॉर्टेड है अब बारी आई भाई होल नंबर अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं whole numbers are the numbers which starts from zero and moves till infinity i repeat whole numbers are the numbers which starts from zero and moves till infinity तो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनी तक जाते हैं ये होते हैं आपके होल नंबर्स एवरीवन क्योंकि होल नंबर को जैसे ही पता चला कि भाई नेचुरल नंबर को एक स्पेशल पावर मिल गई है तो होल नंबर भागे भागे अपने डैडी के पास गए और मैथमेटिक्स से बोला डैडी दिस इज नॉट डन आपने छोटे भाई को पावर दे दी आई ऑल्सो नीड अ पावर बट मेक श्योर कि आप मुझे जो भी पावर देंगे वो नेचुरल नंबर से बड़ी होनी चाहिए तो मैथमेटिक्स ने सोचा सोचा और बहुत सोच विचार करने के बाद मैथमेटिक्स ने होल नंबर को एक

क्लियर कोई दिक्कत नहीं कोई दुख तकलीफ नहीं पक्का कोई कंफ्यूज कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं आई एम देर क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ यू आई होप इट इज क्लियर एवरी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. वंडरफुल इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव फर्दर अब जैसे ही रे इन टीचर्स को अभी रैशनल नंबर की बारी अभी जैसे ही इंटीजर्स को पता चला कि ये चल क्या रहा है इतनी सारी अमेजिंग पावर्स हमारे मतलब नेचुरल नंबर्स को भी मिल गई है होल नंबर्स को भी मिल गई है इतनी अमेजिंग पावर और मुझे तो कोई पावर ही नहीं मिली दिस इज नॉट डन तो जैसे ही इंटीजर्स को इस चीज के बारे में पता चला इंटीजर्स भी भागे 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 अपने डैडी के पास गए मैथमेटिक्स के पास गए और मैथमेटिक्स से बोला डैडी पावर आपने नैचुरल और होल दोनों को पावर दे दिए मुझे भी पावर चाहिए तो मैथमेटिक्स वर्स इन डेलिमा कि माय oh गॉड अब क्या किया जाए नेचुरल नंबर भी पावर ले गया होल नंबर भी पावर ले गया अब इन टीचर को क्या पावर दी जाए तो फिर इंटीजर्स को मैथमेटिक्स में बोला इंटीजर। जस्ट गिव इट वन डे का टाइम आई थिंक एंड आई डिसाइड अ पावर फॉर यू तो फिर इंटीजर्स एक दिन बाद घूमते घूमते गए अपने डैडी के पास और उनसे पूछा कि आपने अब मुझे क्या पावर दिया है तो मैथमेटिक्स ने एक अमेजिंग सा एक स्पेशल सा पावर इन टीचर्स के लिए डिजाइन करके रखा था एंड दैट पावर वाज दैट इन टीचर्स विल बी द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स जीरो एंड दी पॉजिटिव नंबर्स मतलब इन टीचर्स में नेचुरल नंबर्स भी होंगे इन टीचर्स में होल नंबर्स भी होंगे बट एक्स्ट्रा क्या है क्योंकि बात तो यही थी ना कि पावर नहीं हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए अपने छोटे भाई से हमारे छोटे भाई के पास जो भी पावर है उससे ज्यादा पावर चाहिए मुझे तो इन टीचर्स को एक स्पेशल पावर मिली that integers will be the collection of negative numbers zero and the positive number negative numbers bhi hote hain integers pe positive numbers bhi hote hain aur zero bhi hota hai lekin na integers kabhi bhi aapke fraction mein nahi pahunch integers जो है cannot be in the form of fractions फ्रैक्शन ठीक है अब बारी आई भाई घर के सबसे बड़े बेटे की घर के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था बताओ घर के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था बताइए जल्दी से कोर्स रैशनल नंबर्स तो अब जैसे ही रैशनल नंबर को पता चला कि ये क्या चल रहा है भाई नई नई पावर्स दी जा रही है तो रैशनल नंबर्स बहुत ज्यादा ऐसे बहुत बुरा लगा तो रैशनल नंबर ऐसे धीरे 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 अपने डैडी के पास गए कि भाई कुछ बचा हो तो मेरे को भी दे दो आई ऑल्सो नीडा पावर मैं भी आपका ही बेटा हूँ तो जैसे ही मैथमेटिक्स को दिखा कि दूर से कि भाई राशनल नंबर आ रहे हैं तो मैथमेटिक्स वॉज प्रिपेयर मैथमेटिक्स को पता था कि वन बाय वन वन बाय वन करके धीरे धीरे कोई ना कोई कोई ना कोई करके आएगा अपनी पावर के बारे में डिस्कस करेगा तो so, मैथमेटिक्स भी बड़े स्मार्ट थे भाई मैथमेटिक्स ने ऑलरेडी एक स्पेशल पावर रैशनल नंबर्स के लिए बना के रखी हुई थी और वो स्पेशल पावर थी दैट रैशनल नंबर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल

तो इन सबके कलेक्शन को दे दिया डर, एक स्पेशल पावर दे दी मैथमेटिक्स ने रैशनल वेरी हैप्पी कि घर के इतने बड़े मतलब सबसे बड़े बट बे, बेटे को इतनी सारी पावर मिल गई तो अब क्या हुआ मैथमेटिक्स ने बहुत स्मार्ट प्ले किया और अपने सारे बेटों को एक एक स्पेसिफिक एक स्पेशल पावर दे दी अब सारे बेटे खुश और सबको पावर भी मिल गई तो लेट्स रिवाइज दिस अब आई आई एम श्योर की अब स्टोरी के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या क्या नंबर्स थे कैसे कैसे नंबर्स थे आया सभी को समझ में कहीं पर कोई दिक्कत है कहीं पर कोई डाउट है तो कैन मी नो इन द कॉमेंट्स इन द चैट बॉक्स एज वेल अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं फ्यूचर रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो आप मुझे कॉमेंट्स में भी बता सकते हैं हमारी टीम ऑलरेडी रहती है वी आर देयर फॉर ईच एंड एवरी आंसर वी आर देयर फॉर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स कोई भी डाउट है कोई भी दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम है

एक आधा परसेंट एक्स्ट्रा प्यार मिल ही जाता है तो, तो नेचुरल थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार मिला जिसकी वजह से उनको एक स्पेशल नाम से नवाजा गया एक स्पेशल नाम गिफ्ट दिया गया दैट आर काउंटिंग नंबर्स। आप एक बात बताओ जब भी आप मार्केट में जाते हो फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए हो इफ यू आर बाइंग द चॉकलेट चॉकलेट इज माय फेवरेट तो मेरे एग्जांपल्स में चॉकलेट आ जाता है अगर आप मार्केट गए हो चॉकलेट लेने तो आप कभी भी शॉपकीपर से बोलोगे मेरे को जीरो चॉकलेट दे दो या मुझे माइनस वन चॉकलेट दे दो या मुझे माइनस टेन चॉकलेट्स चाहिए

क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया या फाइव की वैल्यू कुछ और हो गई या फाइव की वैल्यू में कुछ कम हो गया या कुछ ज्यादा हो गया बताओ कुछ चेंज नहीं आया फाइव आपका फाइव अपॉन वन आराम से लिखा जा सकता है और फाइव अपॉन वन को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जहाँ पर क्यू मेरा वन के इक्वल है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो समझ में आ रही है बात, बहुत ही है सा है है, ध्यान से और में भी एक होता होता, होता काफी सारे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता। They used to consider fraction and rational number बिल्कुल से। क्या बचपन में पढ़ते हुए हुआ फिफ्थ क्लास में सिक्स क्लास में आपने पढ़ा है फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल जो कि हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है बट

इतनी इतना ज्ञान बहुत है समझ में आ गया कोई दुख तकलीफ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई डाउट नहीं जल्दी से बताओ चलो जल्दी से बताओ क्लियर हो गया कोई कंफ्यूजन वाली बात है कोई डाउट वाली बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मुझे बता सकते हैं आई आई एम देयर टू होप इट इज क्लियर वंडरफुल वेरी नाइस इसी के साथ चले फिर आगे बढ़ जाते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज रियल नंबर्स अभी हमें बात करनी है अभी हमने काफी तरीके के नंबर्स पढ़ लिए हमने इंटीजर्स नेचुरल होल पढ़, अब बात करते हैं रियल नंबर्स की रियल नंबर्स के रियल नंबर्स होते हैं जितने भी नंबर्स प्रेजेंट हैं ऑल ओवर जितने भी मैथ्स में नंबर्स प्रेजेंट हैं रैशनल नंबर हो होल नंबर हो इंटीजर हो नेचुरल हो इरेशनल हो, हो रैशनल कुछ भी कोई भी नंबर हो वो सारे के सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स के अंदर आते हैं अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो फॉर सपोज ये आपका नेचुरल नंबर ये आपका होल नंबर मेकअप प्रॉपर चलो अभी ध्यान से देखो सपोज दिस इज योर नेचुरल नंबर एंड दिस योर इन टीचर्स दिस इज योर रैशनल नंबर और ये सारे जो नंबर्स होंगे ये जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे के सारे आपके रियल नंबर्स होंगे एक छोटा सा वे आप ध्यान रखें। रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स द रियल नंबर हैज मेनी सबसे रियल नंबर के पास बहुत बहुत सारे सब्सेट

इतना क्लियर हो गया आई नीड टू रैप दिस अर्ली इसके बाद आपका बायो का भी लेक्चर है प्रियंका मैम वेट करी होगी हाँ तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं रियल नंबर हम सभी को समझ में आ गया इजी, को स्क्वीजी। अब फट से रिवाइज कर लेते हैं नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होता है भाई नेचुरल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ counting numbers basically the set of counting numbers is known as natural numbers 1 2 3 4 5 6 आप चाहो तो प्लीज नोट इट डाउन बाय गाइस आपको सुनने में लग रहा होगा ये बहुत इजी है ये लेकिन जब एग्जाम में चीजें आती है ना तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन इजी चीजों में ही होता है कि यार नेचुरल में जीरो आता था या फिर होल में जीरो आता था एक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस था number, number, तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें होती है जो एग्जाम में दिमाग को बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है आती हुई चीजें में भी कंफ्यूजन हो जाता है तो जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे की चीजों में फोकस नहीं कर सकते तो बेसिक क्लियर करना तो भी बहुत जरूरी है तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट इन फ्यूचर अगर आप कभी रिवाइज कर रहे हैं तो हैंड हैंडराइटिंग नोट आपके काम आएंगे

होल नंबर में जीरो आ जाता है ये आपके पूरे के पूरे होल नंबर समझ में आ रही है बात नेचुरल नंबर हमारे वन से स्टार्ट होते हैं जिसको हम काउंटिंग नंबर्स के नाम से जानते हैं लेकिन होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है दैट इज शून्य दैट इज जीरो ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया अमेजिंग इसी के साथ बढ़ जाते हैं आगे की तरफ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी व्हाट आर द नेक्स्ट टाइप नंबर्स

किया जाता है बट यू शुड नॉट बी एक रीजन है बच्चा अगर आपका फाइव अपॉन जीरो हो जाएगा यहाँ पर पी और क्यू ये है यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया दैट इज दिस इज अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड और जब तक कोई चीज डिफाइन नहीं हो जाती है तब तक तो मतलब उसका हम वैल्यू ही पता कर सकते हैं तो अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आपको जीरो मिल जाता है दैट मींस उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता यू कैन डिफाइन दैट रिजल्ट दैट मींस दैट इज अनडिफाइंड और दैट इज ठीक है तो रैशनल नंबर्स हमारे और हमेशा हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं हमारे पी और क्यू आपके इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं बट क्यू चलो नेक्स्ट नोट इस डैट इस राशनल नंबर्स व्हाट डी राशनल नंबर्स एवरीवन डी नंबर एंड राशनल नंबर इज डी टाइप ऑफ रियल नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एस अ सिंपल फ्रैक्शन क्या कह रहा है एक राशनल नंबर एक इर्राशनल नंबर एक इस तरीके का रियल नंबर है जिसको आप सिंपल फ्रैक्शन में रिप्र जस्ट अपोजिट हो जाता है इरेशनल रैशनल क्या होते हैं जिसको आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ लेकिन इरेशनल वे इरेशनल नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो इरेशनल नंबर एक इस तरीके का रियल नंबर है विच कैन नॉट बी एक्सप्रस्ड इन ए इट कैन नॉट बी एक्सप्रस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो √2

ले लेते हैं और एक नंबर ले, ले लेते हैं 9. ठीक है अब क्या करना है मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है है अगर मैं 42 का डिवाइड करती तो लेट्स सी ठीक है? एक बार देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा सभी लोग फुल अगर फॉर्टी इंटू प्लस सिक्स एवरीबॉडी

मेथड वही होता है सेम सब चीजें आपको यूज करनी होती है यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल पहले और फिर यू कैन उससे पहले इन सब चीजों को करने से पहले मुझे आप सभी से एक बात जाननी है अगर मैंने यहाँ पर लिखा है two, और मैं पूछ रही two, मुझे ये जानना चलो बताओ जल्दी से. अगर मैं आपसे पूछती हूँ हाउ मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन वन एंड टू देन वॉट विल बी योर आंसर

पे हमारे कितने रैशनल नंबर्स तो नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे मल्टीपल रैशनल नंबर्स होते हैं कौन कौन से रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल क्या करेंगे हमारे पास जो भी दो नंबर्स गिवन है उसके हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना लेट्स मेक दैट

सेकेंड नंबर में हम एट का मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट एंड एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी नंबर का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करते हैं सेम नंबर का मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में करना है इस चीज की एकदम गाठ बांध लेनी है तो अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में एट का मल्टीप्लाई करती हूँ दैट मींस आई हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो नंबर एट राइट तो अभी हमारे पास क्या हो गया एट इंटू टू यू विल बी गेटिंग वॉट एवरी वन ध्यान से अपॉन अब एक चीज बताओ हमें यहाँ पर रैशनल आउट करने थे लेकिन हमारे पास जो नंबर आया है right? मल्टीप्लाई कर सकते हो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल इक्वल हो गए देखो फिफ्टीन बाई फोर्टी एंड सिक्स बाय फोर्टी अगर मैं यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ मिल जाएगा मुझे थर्टी बाय थर्टी बाय अगर मैं यहाँ पर भी टू का मल्टीप्लाई करती हूँ तो so, अब मेरे को एक रैशनल नंबर निकालना था थर्टी बाई एटी और के बीच में तो हमें रैशनल नंबर पता है थर्टी बायी थर्टी वन बाई एटी एंड थर्टी टू बाई एटी और हो सकता है कि आपके रैशनल नंबर्स को चोर आ रहे हैं आपके फ्रेंड के रैशनल नंबर्स को चोर आ रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गलत है या आपके फ्रेंड का गलत है क्योंकि भी भी दो रैशनल रैशनल नंबर्स नंबर्स के बीच में आर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल तो वो कुछ भी हो सकता है यहां पर मैंने डिनोमिनेटर को फोर्टी के इक्वल बनाया आप चाहो तो डिनोमिनेटर को एट्टी के इक्वल भी बना सकते हो जैसे कि हमने यहां पर हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया आपको बस क्या करना है यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल दोनों रैशनल नंबर्स के आपको डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाएंगे तो आप उनके बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नहीं है कोई बात नहीं एक और एग्जांपल करके देखते हैं जैसे हमें और बेटर चीजें समझ में आ जाएंगी वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट मोर हमें एक आईडिया मिल जाएगा बेसिकली जिससे और बेटर हो जाएगा चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव यू फाइंड द नंबर्स लाइंग बट मेथड आपका बिल्कुल सेम है मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं है कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पर आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं दो नंबर्स गिवन है मी राइट रैशनल नंबर्स Rational numbers between minus three by four and minus two by five. So first step. Aapko kya that you have to make the denominators equal. So you have denominators equal. Karne Let's do the same. Minus three by four minus two by five. क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर आ, आप फोर को फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए आपको ट्वेंटी मिल जाएगा आईदम एकदम डिनोमिनेटर इक्वल टू ट्वेंटी अगर मैं ट्वेंटी का मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को लाइक like, अगर मेरे को डिनोमिनेटर को ट्वेंटी बनाना है तो मेरे को फोर में किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ट्वेंटी मिल जाए क्योंकि एलसीएम इज कमिंग ट्वेंटी और अगर आपको ज्यादा नंबर फाइंड आउट करने इफ यू वांट टू फाइंड नंबर्स मोर लाइक बीच में बोलते नंबर्स like, तो आप उस नंबर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर सकते हो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन आपसे कितने नंबर करने के लिए पूछ रहा है तो so, आप यहाँ पर अगर ट्वेंटी आई एम मल्टीप्लाइंग इन द डिनोमिनेटर सेम नंबर हो गया माइनस अपॉन ट्वेंटी और यहां पर कितना हो गया आपका माइनस का एट अपॉन ट्वेंटी एवरी वन राइट माइनस का फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी एंड माइनस का एट अपॉन ट्वेंटी अब आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं यू कैन इजीली इजली रैशनल नंबर्स आर क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर्स माइनस फिफ्टीन बाय ट्वेंटी माइनस फोर्टीन बाय ट्वेंटी माइनस एक मैं स्मॉलर आपको थोड़ा क्लियरली हो जाए माइनस थर्टीन बाय ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व बाय ट्वेंटी माइनस इलेवन बाय ट्वेंटी माइनस टेन बाय ट्वेंटी माइनस नाइन बाय ट्वेंटी एंड माइनस एट बाय ट्वेंटी दिस इज हाउ यूल सॉल्व दिस अप एवरीवन एक बार देख लीजिए जल्दी से देख लीजिए और मुझे बताइए सभी को समझ में आया या नहीं

ध्यान से समझेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम्स में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे क्वेश्चन की लाइक uh, लेंथ like, को देखकर घबरा जाते हैं कि मैम पता नहीं कैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं बट बिलीव मी इट्स ईजी एवरी वन जब तक करोगे नहीं सॉल्व तब तक पता नहीं चलेगा तो इट्स इजी एक बार आप अच्छे से समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए पहले अपने आप सॉल्व हो जाएंगी ठीक है सो लेट्स सी स्वीट सेलर हैज has 420 काजू बर्फीज एंड 130 थर्टी बदाम बर्फीज ओ माई गॉड मेरे मुंह में तो ऐसे सुनामी आ जाती है जैसे मैं ये काजू कतली का नाम सुनती हूँ ना तो ऐसे लोगों के मुंह में पानी आता है मेरे मुंह में सुनामी आ जाती है सीधा <laughs> तो एक स्वीट सेलर है जिनके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 थर्टी बदाम की बर्फी है चलिए तो बढ़िया बात है अच्छी बात है ये इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अब क्या कह रहे हैं शी वॉन्ट टू स्टेक दैम इन सच अ वे दैट इच स्टेक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप एरिया पूछ रहा है उस स्वीट सेलर का कितने वो कितनी ट्रेज लगेंगे उसको इसको फिक्स करने में या फिर हम बोल सकते हैं सारी काजु कतलीज को स्टैक करने में और बदाम बर्फीज को स्टैक करने में All right, everybody. I guess I'm able. You guys are able to see me and hear me, up. All right. Let's uh, go back to the question. क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपके बस 420 काजू की बर्फी है, 130 बादाम की बर्फी है. She wants to stack them in such a way uh, that she ज द सेम नंबर उसको काजू की कतली और बादाम की बर्फी जो है इस तरीके से स्टैक करनी है कि हर स्टैक में इक्वल नंबर आए एंड दे टेक अप एट लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे वो ट्रे का कम से कम एरिया ले व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी placed इन ईच स्टैक फॉर दिस purpose? अब ये पूछ रहा है हर एक स्टैक में स्टैक में कितने पीसेस रखे जाएंगे जैसे कि 420 काजू की बर्फीज और वन थर्टी की बर्फीज अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए विदल नंबर ऑफ द Right? So काजू कतलीज हमारे काजू बर्फी लिखा हुआ यहाँ पे तो बर्फी लिख देते हैं काजू बर्फीज हमारे पास गेवन है फोर ट्वेंटी और बादाम बर्फी है बादाम बर्फी हमारे पास वन थर्टी ठीक है काजू गतली है हमारे पास फोर ट्वेंटी और बादाम बर्फी है हमारे पास वन थर्टी सो विल टेक लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे कवर हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे वी कैन फाइंड द ऑफ एंड हमने प्रीवियस क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड यूक्ल गौरतम पढ़ी थी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बस उसी के हेल्प से वी विल बी गोइंग अपट्स फाइंड इट अप है सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन से एच सी एफ ऑफ

प्लस थर्टी एवरी वन कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम मुझे बता दीजिए लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस एंटायर स्टेटमेंट दैट इट कैन बी क्लियरली लाइक डिफरेंटल फोर ट्वेंटी इज इक्वल टू वन थर्टी इन एवरी वन राइट अभी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा आपको नहीं पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ हमारा हाईएस्ट स्टैक मतलब कितना नंबर ऑफ कॉलम विल बी रिक्वायर्ड या कितने नंबर ऑफ स्टैक्स विल बी रिक्वायर्ड राइट सो विल गोन डिवाइडेड अगेन कितना हो जाएगा वन थर्टी को हम डिवाइड करेंगे थर्टी से तो आपको क्या मिल जाएगा लेट मी सेम को हम डिवाइड करते हैं थर्टी से तो यू बी गेटिंग एवरी वन वो ध्यान से मुझे समझ के बताएंगे यू विल बी गेटिंग फोर वन ट्वेंटी एंड टेन ये कितना हो जाएगा थर्टी इंटू फोर प्लस टेन एवरी वन कोई भी कंफ्यूज कोई भी प्रॉब्लम चलिए इसी के साथ अब थर्टी का कर देंगे तो टेन बस जीरो एवरीवन तो आपका जो एलसीएम जो आपका एचसीएफ आया दैट विल बी व्हाट एवरीवन जो एचसीएफ है वो आपका टेन आया कोई कंफ्यूजन इस बात में मतलब नंबर ऑफ स्टैक्स जो होंगे दैट विल बी 10 एवरीवन कितने नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी रिक्वायर्ड तो हम यहीं पे कहीं लिख देते हैं जस्ट अ सेकंड ये जो नंबर आपका टेन आया है दैट मीन ये जो नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड होंगे वॉट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस टेन बर्फीज कैन बी प्लेस इन ईच फॉर द गिवन ईचे क्योंकि आपका जो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर आया है दैट इज टेन मतलब एक स्टैक में आप टेन नंबर ऑफ पीस को स्टोर कर सकते हैं तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देते हैं थोड़ा सा इज द नंबर दैट कैन बी टेन बर्फीज can be based in stack based in stack simple and short चलो बताओ समझ में आई बात कोई दिक्कत वाली बात कोई कंफ्यूजन वाली बात है तो आप मुझे बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर आई होप इट इज क्लियर कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई प्रॉब्लम आर श्योर जल्दी से बता दो अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो पास्टर एवरीवन

है नाइनटी तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दैट इज एवरी वन लेट मी चेंज कलर एंड ये हो गया आपका टू ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव इंटू वन प्लस नाइनटी कन्फ्यूजन नहीं अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका नाइन वन नाइन्टी विल बी एक्टिंग लाइक अ डिवीजन एंड वन कोई कन्फ्यूजन नाइन्टी ओके नाइन्टी वन जो नाइन्टी यू बी गेटिंग फाइव एंड थर्टीन विल बी गेटिंग फोर राइट right. so, हम इसको क्या लिख सकते हैं हाउ वी कैन कैन राइट बी प्लस एवरी नाउ यू आपको तब तक ये परफॉर्म करते रहना है जब तक आपको रिमाइंडर जीरो ना मिल जाए तो so, अभी यहाँ पर ए कितना है uh, यहाँ पर बी का वैल्यू कितना

चलो बताओ क्लियर हो गया इसी के साथ एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे अगर कोई भी कंफ्यूज रह गया है दिमाग में तो वो भी बिल्कुल वन गो में क्लियर हो जाए तो हेयर इज अनदर क्वेश्चन नाइनटी सिक्स एंड थ्री थर्टी एट थाउजेंड टू अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर थ्री एट तो इज ग्रेटर देन वन नाइनटी सिक्स तो वन नाइनटी सिक्स की सेम वन जब आप डिवाइड करेंगे थ्री

एंड दिस इज योर सिंपल है हुई बात कहीं दिमाग में कोई डाउट है कहीं कोई कन्फ्यूजन वो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं आई एम देर टू क्लियर आप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर अभी आप सभी लोगों का डाउट वन को में क्लियर हो जाएगा कोई भी दिक्कत आप पूछ सकते अगर अभी अगर आप मतलब इस सेशन को रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में ही आंसर बता सकते हैं सुपर हैप्पी ठीक है चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है

फोर प्लस जीरो तो आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स की रिक्वायरमेंट हुई अभी यहाँ पर आपके पास जीरो आ गया रिमाइंडर आ गया दैट मीन जो एच था वो आपका एट था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी एट एवरी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज is एवरी दिस इज how you will be solve this. Take it up. आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया है feel, so आप मुझे कॉल आई एम देर टू क्लियर अपरीयर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एक्सरसाइज वन पॉइंट टू ये दोनों चीज आज हम वन वो में क्लियर कर लेंगे क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करने वाले हैं क्या होती है कैसे होती है वेरी ईजी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है आप लोग ऑलरेडी क्लास नाइन्थ में क्लास एथ में पढ़ते हुए आ रहे हो एल और एच वही इस चैप्टर में है और कुछ भी नहीं है इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप सीखोगे की कि किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है प्राइम फैक्ट्राइजेशन फैक्ट्री एच सी एफ एल सी एम वॉट इज द रिलेशन बिटवीन एच सी एफ एंड एल सी एम ये सारी की सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एंड मेक श्योर दिस इज वेरी इजी एज वेल एज इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आता है मार्क्स कंटेन करता है अच्छा वेटेज है इसका और ईजी भी है तो जब ईजी है एग्जाम में मार्क्स कंटेन करता है तो फिर हम अच्छे से क्यों ना करें टेक आउट ऑल योर नोटबुक्स एवरी वन जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर अपनी नोटबुक निकाल लीजिए मेरे साथ आप सभी लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है सो so दैट मुझे भी कंफर्मेशन हो जाए कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विदाउट एनी डिले सो दर्स्ट क्वेश्चन है और इज इज एवरी वन थ्री टू सेवन और फैक्टर ट्री अब बचपन में चले जाओ बचपन मतलब के नहीं बचपन मतलब क्लास सेवेंथ एट्थ में चले जाओ जहाँ पर आपने फैक्टर ट्री बनाना सीखा था अब कैसे बनाया था मैम थोड़ा थोड़ा याद है थोड़ा थोड़ा एकदम मिस हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं लेट मी रिवाइज एक बार मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ जैसे कि आपको पता चल रहा है कि अच्छा हाँ किस तरीके से फैक्टट्री वर्क करता था हाउ द थिंग्स वर्क्स कैसे चीजें काम करती थी तो चलो लेट्स हैव दिस इसीलिए मैं एक बड़ा सा नंबर आप सभी के सामने लेकर आई हूँ दैट इज 32760 फैक्टट्री बनाते हैं 32760 सबसे पहले

Three is six.

आई एम सो सॉरी मेरा हाथ चला गया उस पर और वो बैक हो गई स्लाइट जस्ट कॉन्टिन्यू इट तो अब ये फोर जीरो अब देख सकते हो आप इसमें वंस डिजिट पर जीरो नहीं है राइट वंस डिजिट पर आपको फाइव दिख रहा है तो मतलब ये टू से तो नहीं जाएगा तो आप इसको क्या करोगे लेट्स डिड विद थ्री और लेट्स डिवाइडेड इट विध फाइव तो फाइव से जब मैं इसको करूंगी तो आई कैन सी फाइव एट जो फाइव वन जा फाइव फाइव नाइन जा फोर्टी समथिंग दिसट मी मेक माइ से स्मॉलर सो दैट आपको क्लियरली वो दिख जाए मैम बहुत छोटी हो गई ना इसमें चलो ये साइज ठीक है और हम इसको थोड़ा सा इधर see, ये 3 से हो जाएगा। तो ये कितना हो गया एट थ्री टू जर सिक्स थ्री सेवन जर ट्वेंटी थ्री जर नाइन अगेन थ्री से चला जाएगा तो जब आप इसको थ्री से डिवाइड करेंगे यू विलेटिंग थ्री नाइन जर ट्वेंटी

बचपन में हम सब ट्री काफी सारे बनाए हैं तो वो कुछ इसी तरीके का बनता है एवरी वन दिस इज वॉट ट्री कॉल्ड आया सभी को समझ में चलो इसी के साथ एक और क्वेश्चन करके देखते हैं आप सभी ने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी ने एच सी एफ एल सी एम पढ़ा है यही सारी चीजों को हमें करना, यही सारी चीजें हमें सीखनी है

सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप सभी लोग नंबर से क्या समझते या फिर ऐसे नंबर जिसको वन और उस खुद के नंबर से ज्यादा फैक्टर्स हो द कॉम्पोजिट नंबर इज अंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर और अ नंबर जिसके फैक्टर्स वन या उस नंबर से ज्यादा हो राइट मोर देन टू फैक्टर्स हो वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं चलो बैक टू टॉपिक नाउ क्या कह रहा है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक क्या कह रहा है हर एक नंबर

इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थर्टीन इंटू सेवन ये आप देखो इनमें सारे के सारे नंबर्स ये देखो मेरे सर के ऊपर जो लिखे हुए ये सारे के सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं मतलब आपने क्या किया आपने एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया ये कहलाती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहां पर देखिए लेट्स बैक टू द डेफिनेशन एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस वैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर विच इज अ प्राइम अकर इन विच द प्राइम अकर क्या कह रहा है ज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक हर कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन जो होता है वो एक यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर हो सकता है आपका चेंज हो सकता है लेकिन जो मतलब है जो मीनिंग है दैट इज ऑल सेम एवरीवन समझ रहे हो ना जो मीनिंग है इज़ ऑल सेम उसमें तो फिर इसी के साथ एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी अब ये क्या कह रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी के प्राइम फैक्टर्स करो कर देते हैं ट्वेंटी के प्राइम फैक्टर्स हमने बचपन में क्लास सेवन एथ में हमने सीख लिया था अभी मैं हमेशा कहती हूँ कि मैथ्स इज अ वेरी इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी क्लास का कॉन्सेप्ट आप कौन से क्लास में यूज कर रहे हो तो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो मैथ्स का मेक sure श्योर आप उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में पढ़ रहे हैं तो ये जो आपने क्लास सेवेंथ एथ में प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था सीखा था देखो अब नाइन टेंथ में भी आप वही देख रहे हो मतलब उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है वो वहां से ही चीजें आ रही है वो जो बेसिक था वो आपका यहां पर भी आ रहा है तो काफी बच्चों के मैं उस टाइम ही नहीं पढ़ा था हमें याद नहीं है कोई बात नहीं वापस से याद दिला देते हैं हमारा काम ही है ये बच्चा तो लेट्स गेट स्टार्टेड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी लेट्स डू द फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन याद आया कुछ इस तरीके से करते थे हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेट्स डिवाइड द सेम बाय टू 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 जा फोर टू वन जा टू जीरो टू वन जा से जाएगा फाइव टू जा टेन फाइव वन जा से जाएगा थ्री सेवन ट्वेंटी वन सेवन वन जैन आप तब तक फैक्टराइज करते हैं तब तक आपको one ना मिल जाए या फिर कोई ऐसा प्राइम नंबर वन ना मिल जाए बेसिकली समझ में आई बात कोई दिक्कत वाली बात कोई कंफ्यूजन वाली बात है तो आप मुझे बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर इट अप कम ऑन कोई कोई भी भी कंफ्यूजन प्रॉब्लम कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मैम आपको बता देती है तो चलिए देखिए 420 को आप किस तरीके से लिख सकते हो हाउ यू गेट्स टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू सेवन

ट्वेंटी के जब आप फैक्टर्स करेंगे आपको क्या मिल जाएगा है है ये हमने फैक्टर्स कर लिया और कुछ नहीं किया अब देखो हम क्या कर सकते हैं सिक्स को मैं लिख सकती हूँ टू इंटू थ्री और ट्वेंटी को मैं लिख सकती हूँ टू इंटू टू इंटू फाइव अब हमें फाइंड आउट करना है एच सी एफ एंड एल सी एम एच सी एफ बोले तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है भाई मुझे तो बस हाइएस्ट कॉमन फैक्टर टू दिख रहा है तो एच सी एफ विल बी टू एवरी वन बात आई एल सी एम की एल सी एम क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अब एल सी एम कैसे फाइंड आउट करेंगे जो भी आपका कॉमन आया है उसको एक बार लिख दीजिए और बाकी की जितनी भी डिजिट्स बची हैं उसको एज इट इज लिख दीजिए आई रिपीट जो भी कॉमन आया है यहाँ पर ये कॉमन था तो इसको एक बार लिख दिया और बाकी का जो भी बचा हुआ है थ्री इंटू टू इंटू फाइव उसको हमने एज इट इज लिख दिया तो अभी ये क्या हो गया आपका मिला एल सी एम इज इक्वल टू आपका कितना जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे टेन थ्री जाए सिक्सटी तो एल सी एम आ गया है आपका सिक्सटी एवरी वन और एच सी एफ आ गया है आपका टू दिस इज हाउ यू गल गो सॉल्व दिस इसको बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं

यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है ध्यान से देखो जल्दी से सभी लोग यहां पर क्या था हैव यू नोटिस समथिंग दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट इज ए एंड बी इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी Yes guys, ये जब आप notice करेंगे तो आपको पता चलेगा देखो जरा अभी हमने यहाँ पर किसका निकाला है कितना everyone? HCF आपने निकाला था आपका टू राइट ध्यान से देखेंगे कहीं पर कोई दिक्कत कहीं पर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं एच आपने निकाला था टू एवरी जरा देखो जरा देखो जल्दी से आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे जब आप a इंटू बी करते हो तो आपको मिलता है 6 into 20, that is 120. और जब आप HCF into LCM करते हो तो आपको मिलता है सिक्सटी इंटू टू दैट इज इक्वल टू वन ट्वेंटी दैट मीन एवरी वन इसको आप कैसे लिख सकते हो दैट एल सी एम ऑफ ए एंड बी इंटू एच सी एफ ऑफ

ऑल राइट एवरी वन दिस इज द फॉर्मुला और दिस इज द थिंग जो कि आपको अपने दिमाग में बिल्कुल रखना है हमेशा कि एच सी एफ और एल सी एम जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्लियर है कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सभी को समझ में आ गया एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अगर कोई भी दिक्कत रहेगी कोई भी डाउट रहेगा तो आई एम देयर टू क्लियर अप ऑल योर डाउट्स आर देयर राइट

ये चीज आपको ध्यान रखनी है दैट वन वन जीरो इज प्राइम नंबर तो अभी ये कितना हो गया नाइनटी सिक्स को आप लिख सकते हो टू हाउ मेनी टू वन टू थ्री फोर फाइव ओके इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री और फोर जीरो फोर को आप लिख सकते हो टू इंटू टू इंटू वन जीरो वन तो अभी देखो ये टू आपका ये टू आपका कॉमन आ गया तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया एच सी एफ इज इक्वल टू टू इंटू टू दैट इज इक्वल टू फोर एच सी एफ तो आ गया आपका फोर एवरी वन एच सी एफ जो आया दैट इज फोर अब आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो एल सी एम कितना हो जाएगा जो भी कॉमन आया उसको आप एक बार लेंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू वन जीरो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो एल सी एम आ जाएगा everyone, 9696, आप ये वाले दो जो टू आए हैं ये आप मतलब पेयर है तो आप एक एक बार टू कंसिडर करोगे बाकी के जितने भी टू हैं वो इंटू थ्री इंटू वन जीरो आंसर मिल जाएगा सिंपल एंड शॉर्टेड तो एलसीएम है आपका नाइन सिक्स नाइन सिक्स क्लियर हुआ

दो हो तीन हो या दस नंबर हो एलसीएम का मेथड बिल्कुल वही है ठीक है वही है बट ये चीज याद रखना तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू दी एल सी एम एच ये खाली टू नंबर्स में ही वैलिड होता है थ्री नंबर्स में वैलिड नहीं होता अब इस चीज का प्रूफ आप इस क्वेश्चन को करके खुद से देखेंगे ऑल राइट right, चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव फर्दर एवरी वन एंड हेयर यू गो चलो इसी के साथ नेक्स्ट वन एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स अब आपको सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स को रिप्रेजेंट uh, करना है क्या करना है एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स की लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है लेट्स डू इट

एंड थर्टीन इज अ प्राइम नंबर जो कि थर्टीन से ही जाएगा तो हम लिख सकते हैं वन फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थर्टीन एवरी वन दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इस तरीके से आपको चीज़ें अपनी कैलकुलेट करनी है इस तरीके से आपको अपना प्राइम फैक्ट्राइजेशन फाइंड आउट करना है क्लियर है सॉर्टे है समझ में आ गया चलो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं थ्री एट टू फाइव लेट्स फाइंड द सेम थ्री एट टू फाइव रेस्ट एज अ होमवर्क जस्ट ट्राइड बाय योर एंड एंड सॉल्व दिस ठीक है तो चलिए फाइव से करते हैं फाइव सेवन जो थर्टी फाइव और यू विल्री सिक्सटी एंडस्टी फाइव अगेन फाइव से चला जाएगा फाइव वन जो फाइव यू getting two five फाइव जो twenty five five थ्री जो fifteen one fifty three आ रहा है अब देखिए uh, ये three से चला जाएगा three फाइव जो fifteen five वन जो five ये अगेन थ्री से चला जाएगा थ्री वन जे थ्री थ्री जाएगा और आपका वन आ गया, गया खत्म हो गया ठीक है और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि ये जो आपका कॉम्पोजिट नंबर है ये जो आपका कॉम्पोजिट नंबर है इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया है एज अ प्राइम नंबर आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया है एज अ प्राइम कॉम्पोजिट नंबर को आपने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं समझ में आई बात कोई दिक्कत वाली बात कोई डाउट वाली बात कोई प्रॉब्लम वाली बात तो आप पूछ सकते हैं आई होप इट इज क्लियर

तो ये कितना हो गया आपका 26 को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज 2 13 एवरीवन एंड 91 कैन बी रिटन एज 13 7 एनी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम टू लेट मी नो इन द कमेंट्स सो एलसीएम विल बी एवरीबॉडी दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है 13 को हम वन टाइम ले लेते हैं

राइट नाउ वुड यू हैव टू डू अब क्या करना है आपको एच सी एफ एल सी एम इंटू एच सी एफ शुड बी इक्वल टू ए इंटू बी राइट तो एल क्या है आपका यहाँ पर 182 हंड्रेड क्या है आपका 13 इज इक्वल टू ए इंटू बी ए इज वॉट 26 सिक्स 91 तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको एल एच एस इज इक्वल टू आर मिल जाएगा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आराम से मिल जाएगा जस्ट सॉल्व इट अप एंड डू लेट मी नो ऑल राइट क्लियर हो गई बात कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं इन द कॉमेंट्स बिलो एवरी वन दिस इज द क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क जस्ट ट्राइड बाय योर सेल्फ अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करिए फाइव हंड्रेड एंड टेन का नाइनटी टू का प्राइम फैक्ट्राइजेशन कीजिए फाइन द एच सी एफ एंड एल सी एफ एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एल सी एम ऑफ ए एंड बी इन टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड पी एवरी वन क्लियर शॉर्टेड समझ में आ गया चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फाइंड द एल सी एम एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग इन टीजर्स बाई अपलाइंग प्राइम फैक्ट्राइजेशन मेथड तीन वाला एक क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पर ईजी ट्वेल्व के प्राइम फैक्ट्राइजेशन कीजिए टू सिक्स जो ट्वेल्व टू थ्री जै सिक्स थ्री वन जी ठीक है फिफ्टीन का कर लेते हैं थ्री फाइव ज फाइव वन जा सॉटेड ट्वेंटी वन का कर लेते हैं थ्री सेवन जैवन वन गए प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं ट्वेल्व को हम लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू थ्री फिफ्टीन को लिख सकते हैं थ्री इंटू फाइव और ट्वेंटी वन को लिख सकते हैं थ्री इंटू सेवन राइट right? अब क्या करना है एच सी एफ फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले एच सी एफ होता है मेरे एल सी एम की एल सी एम कितना ध्यान से देखेंगे और बताएंगे एल सी एम कितना हो गया आपका एक बार आप थ्री ले लेंगे two into two into five into seven तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे यू विल बी गेटिंग फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो आपका जो एच सी एफ है

यही चीज़ें हैं ये हमें पता है ये चीज़ें होती हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता क्या है इट्स लाइक थ्री बाय टेन जीरो पॉइंट थ्री है तो हम उसको थ्री बाय टेन लिख सकते हैं तो वही चीजें हैं गाइस मैथ्स इज अ वेरी इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक कौन सी क्लास का कौन से क्लास में यूज हो जा रहा है तो जस्ट यू हैव टू बी इट अटेंटिव थोड़ा सा अटेंशन एंड थिंग्स विल बी सो

पॉइंट के बाद लिखिए तो दैट मींस उसकी वैल्यू वन से कम हो गई है तो उसको आप हमेशा इंडिविजुअली और सेपरेट करके रीड करोगे यू गाइस आर नॉट अलाउड टू कंबाइन देम अगर लिखा हुआ है जीरो पॉइंट टू थ्री तो देर आर पीपल हु यूज टू रीड इट लाइक जीरो पॉइंट ट्वेंटी थ्री इट इज रॉन्ग लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुल अगर आप जीरो पॉइंट टू थ्री कहीं लिखा हुआ इट लाइक आई एम सो सॉरी बट यू गाइज आर एपसोल्यूटली रॉन्ग जब भी पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट लिखी होती है मेक श्योर यू गाइज आर रीडिंग इट सेपरेटली वाई देर इज अ रीजन बिहाइंड क्योंकि डेसिमल की वैल्यू होती है वन से छोटी डेसिमल के बाद जो भी चीजें लिखी होती है दैट इज लेसर देन वन ठीक है समझ में आई बार जीरो और वन के बीच में वो चीजें होती है तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी अभी यहां पर लिखा हुआ है जीरो पॉइंट थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव

इट सिंपल सीधी सी कहानी क्या किया मैम ने यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास थ्री डिजिट्स के बाद पॉइंट लिखे हुए थे तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पर थ्री डिजिट्स के बाद पॉइंट लिखे हुए थ्री डिजिट्स के बाद पॉइंट लगे हुए हैं तो आपने क्या किया उस पॉइंट को रिमूव करके नीचे वन थाउजेंड एड कर दिया अब ये जो डेसिमल था ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया राइट एवरीबरी अब आप चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो और एल्स यू कैन राइट इट लाइक दिस क्योंकि ये जो है अब आपका एक फ्रैक्शनल फॉर्म

Where p and q belongs to p and q p and q belongs to integers जहाँ पर p और q integers वो belong करती हैं and q should never be equal to zero अगर q की value equal हो जाती है zero के that means जो आपके results हैं वो not defined हो जाएंगे five upon zero is not defined who किसने देखा five upon zero क्या है समझ रहे हो बात को आई चीजें समझ में चले तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिससे आपको और बेटर और अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आएंगी कि हाउ वी हैव डन दिस और हमने किस मेथड का यहाँ पर यूज किया चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं लाइक अगेन यू गाइज है सेम नंबर इन दम ऑफ रैनल हाउ यू गाइज कैन राइट लेट्स रीड इट लाइक हंड्रेड एंड फोर रॉन्ग बच्चा बारी रोन है बाद भी डिजिट लिखी रहती है यू हैव टू रीडम इंडिविजुअली लाइक जीरो पॉइंट वन जीरो फोर सॉटेड है ये बात छोटी सी है बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए दिमाग में घुसा लीजिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल राइट तो जीरो पॉइंट वन जीरो फोर हाउल राइट इट एवरीबडी वन जीरो फोर अपॉन वन टू थ्री अपॉन वन थाउजेंड अब चाहो तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो रिड्यूस इट विदेन से आपका रैशनल जहां पर p इज इक्वल टू वन जीरो फोर क्यू इज इक्वल टू वन थाउजेंड रैशनल नंबर क्या होता है शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो अगर किसी को कुछ याद नहीं है अगर दिमाग में कुछ भी डाउट है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरी वन समझ गए बात को कोई दुख तकलीफ कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर अप ईच एंड एवरी डाउट ऑफ यूर्स एवरी बारी एंड द पीपल हु आर देयर न्यू इन द चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किस चीज का वेट कर रहे हो जल्दी से जाओ डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज योर लव एंड सपोर्ट लिटरली अ लॉट टू अस इफ यू आर न्यू टू द चैनल इफ यू गाइज आर वॉचिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लेट मी टेल यू अबाउट आर चैनल सीबीएसई स्पेशल इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेंथ क्लास स्टूडेंट्स दिस हेयर यू विल बी गेट

0 0.0875. How you guys can write this further? Here, up to 4 digits, accessible point is there. We'll just want to remove this point and we're going to write it 0875 upon 1, 2, 3, and 4. Simple. This is your rational number. This is your rational number, hai, which is in the form of P and Q. बिलोंग टू दीज एंड शुड नॉट बी टू जीरो सी छोटी सी बात है जो की आपको ध्यान में रखनी है एवरी वन समझ में आ गई बात कहीं पर कोई प्रॉब्लम है कहीं पर कोई डाउट है आप मुझे बिता सकते हैं आई एम देअ टू क्लियर इट अप एवरी वन जल्दी जल्दी से बिता दो कहीं पर अगर कोई भी कंफ्यूजन है जस्टिस लिंक विद योर फ्रेंड्स इज वेल ओके चलो आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आई गेस इतना क्लियर है सभी को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कोई डाउट वाली बात नहीं है चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अच्छा मैं इसी में एक एग्जाम्पल एड कर देती हूँ अगर आपका ये कुछ इस तरीके का होता है जीरो पॉइंट एट्टी पॉइंट फाइव थ्री

फाइव थ्री अभी यहाँ पर दो डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल दिख रहा है राइट यू हैव टू चेंज इट इनटू अ रैशनल नंबर यू गाइस कैन सी आफ्टर टू डिजिट्स ओनली डेसिमल पॉइंट यू गाइस कैन सी तो जस्ट पुट टू इन द डिनोमिनेटर एंड दिस इज योर रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो ये होती है आपकी मेजर कंडीशन आगे सभी को समझ में कोई कंफ्यूजन है कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो यू गाइस कैन डू लेट मी नो आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरीवन ऑल सॉ ऑल क्लियर शेल बी मूव फर्दर एवरी वन आगे भर सकते हैं इतना क्लियर हो गया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है तो तो कॉमेंट ऑल इन दैट बॉक्स टू क्लियर इट आर ऑल राइट चलो अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की देन विल गो द टूवर्स फिर उसके बाद हम थ्योरम्स की बात करेंगे बट इट इज इजी अगेन अभी आप वापस से इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री फोर नो नॉट अलाउड यू कांट रीड इट लाइक दिस एज़ वेल 23.3408 कर सकते आप ऐसे रीड नहीं कर सकते कैसे रीड करोगे लिखी हुई है वट सो एवर डिजिट आर देर जस्ट रीड इट इन लाइक इंडिविजुअल मैनर आपको बस उसको इंडिविजुअल मैनर पे रीड करना है दैट्स इट जस्ट अल राइट समझ में बात कोई दुख तकलीफ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छे से समझ में आ गई चीज तो चलो अब इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस दिस रैशनल नंबर? नंबर लेट्स राइट सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट तो को हटा के डिनोमिनेटर में आपको फोर जीरो या दिस इज योर रैशनल नंबर अब हम थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है मेक श्योर sure कि आप सब लोग एक पेन और नोटबुक के साथ बैठे हैं क्लास में सो दैट यू गाइस कैन राइट इट विद मी ठीक है रैशनल नंबर की फॉर्म में है विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू जहां पर पी क्यू एंड पी बिलोंग टू इन टीचर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो बहुत ही बेसिक सी चीज है समझ गए होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी शेल बी मूव टू वर्स एन एक्सपर्ट इतना क्लियर हो गया कोई कंफ्यूजन है अगर दिमाग में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सोर्टेड है क्लियर है चलो फिर बहुत ही बढ़िया बात है इसी के बाद डो नॉट पर टू लाइक द वीडियो डो नॉट पर टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई सेड अर्लियर सी बी एस ई स्पेशल इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल यहाँ पर आपको सारा का सारा कॉन्टेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट वॉट यू गाइज अवेरिंग बहुत जल्दी से जाइए टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज यू ऑल लव इन सपोर्ट लिटरली लिटरली मीन्स अ लॉट टू वर्ड्स चलिए इसी के साथ अब बारी आती है कुछ थ्योरम्स पढ़ लेते हैं थ्योरम्स के बाद विल गोना डू सम क्वेश्चंस गो नॉट डू समस्ट दे ठीक है ज़्यादा पढ़ाई नहीं लेकिन हाँ जितनी भी पढ़ाई है जितनी भी हम कवर अप कर रहे हैं चीज़ें आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका कॉन्सेंट्रेशन फुल यहाँ पर हो ताकि जितनी भी चीज़ें पढ़ाई पढ़ाई जा रही है आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है लेट्स सी व्हाट थ्योरम वन पॉइंट फाइव स्टेट्स लेट एक्स बी आर रैशनल नंबर हूज डेसीमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स टर्मिनेट्स का मतलब तो आपको पता ही है आई है जो खत्म हो जाए जिसका रिमाइंडर आपको शून्य मिल जाए जो रिमाइंडर आपको जीरो मिल जाए दैट इज टर्मिनेटिंग थिंग राइट तो एक इरेशनल नंबर है आपका एक्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो सकता है

सपोज आपके पास एक नंबर है एक्स ठीक है इसको आप p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो एंड ये जो आपका क्यू है इसको हम लिख सकते हैं टू टू दी पावर एन एंड फाइव टू पावर एम की फॉर्म में एक एग्जांपल लेकर चलते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आ जाए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ओके अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर जीरो पॉइंट टू ठीक है छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं अगर मैंने यहाँ पर लिया है जीरो पॉइंट टू तो हमें जीरो पॉइंट टू को क्या लिख सकती हूँ आई कैन राइट इट टू बाई टेन ध्यान से समझना हमारे पास एक नंबर था हमारे पास एक रैशनल नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हम टर्मिनेट कर सकते हैं जिसको मैंने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया अपॉन अब जो Q होगा उसको मुझे फॉर्म में लिखना है टू टू दी दी पावर पावर की फॉर्म में तो क्या मैं यहाँ पर जो मेरे पर, जो भी हमारे पास क्यू का वैल्यू जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या मैं उसको टू टू दी पावर एन और फाइव टू दी पावर एम में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ लेट्स सी टू अपॉन टू इंटू फाइव मतलब क्या कह रहा है आपका थियोरम वन पॉइंट फाइव की अगर आपके पास कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जिसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं तो उसको जब भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे दोबारा दुब सुनिएगा जब भी हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे वो आपका जो क्यू होगा दैट कैन बी फैक्टराइज एज टू टू दी पावर एन इंटू फाइव टू पावर एम वो उस फॉर्म में आपका इजीली फैक्टराइज हो जाएगा दैट्स इट सिंपल छोटी छोटी सी बात है चलो बताओ समझ में आई बात क्लियर हुआ एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन दिस आप पूछ सकते हो आई एम देयर टू क्लियर इट अप जल्दी से बता दो कहीं पर कोई दुख तकलीफ है कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी आई होप इट इज क्लियर एवरी वन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव फर्दर एंड हेयर यू गो थ्योरम 1.6 वन पॉइंट सिक्स क्या कहते हैं वन पॉइंट फाइव पढ़ ली अब कह रहा है लेट x इज इक्वल टू पी अपन क्यू बी आर रैशनल नंबर हमने माना कि x एक रैशनल नंबर है p अपॉन क्यू की फॉर्म का सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m तो ये जो p अपॉन क्यू है इस q का जो फैक्टराइजेशन हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m एवरीवन आपका ये जो एन और एम है ये नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इन टीचर्स है अभी जो मैंने आपको थ्योरम वन पॉइंट फाइव पढ़ाया उसका बिल्कुल ऑपोजिट थ्योरम है समझिएगा अभी जो आपने थ्योरम वन पॉइंट फाइव पढ़ा कि अगर कोई डेसिमल ध्यान से सुनिएगा थ्योरम वन पॉइंट फाइव क्या कह रही थी

सॉर्टेड है अगर आपको लग रहा है कि अभी डाउट नहीं है शायद थोड़ी टाइम बाद हम इसको रिवाइज करें तो डाउट है, डू लेट मी नो इन द आई लव ला क्लियर अपर डाउट ठीक है चलो अब बात कर लेते हैं थ्योरम 1.7 के बारे में व्हाट दस थ्योरम स्टेज

रिपीटिंग नंबर दोबारा कह रही हूँ अगर आपके पास रैशनल है वो टू टू दी पावर है और थ्री टू दी पावर है तो हम बोलेंगे कि दिस इज वॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग

क्लियर कुछ भी दिमाग में चल रहा है कुछ भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं आई एम देयर टू क्लियर इट अप एवरी वन आई एम आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरी आउट देयर कोई भी डाउट है तो पूछ लो सो सॉट क्लियर आगे बढ़ सकते हैं चले तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर साफ दिस आप थर्टीन अपॉन थ्री वन टू फाइव अब हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और इसको पता करने का अभी हमने थ्योरम्स पढ़ी कि अगर q का डेसिमल एक्सपें क्यू का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन टू टू दी पावर n और फाइव टू दी पावर m की फॉर्म में आ जाता है दैट मीन्स कि वो आपका टर्मिनेटिंग uh, नंबर है तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है हमें बस जो भी डिनोमिनेटर गिवन है यहाँ पर उसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन लेट्स डू द सेम

जैसे आप ही करते हो. चलो बताओ कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम कोई दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम एवरीवन आई होप सबको समझ में आ गई है चीजें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो थर्टीन अपॉन 1, 2, 3, 4, 5. 5 into 5 into 5 into 5 into 5. Right? Which can be written as अपॉन फाइव टू दी पावर फाइव अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर फाइव टू दी पावर फाइव तो आ रहा है लेकिन टू टू मतलब दी पावर एम में तो हमें वैल्यू मिल रही है लेकिन टू टू दी पावर एन में तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है और हमने थ्योरम फाइव में पढ़ा था कि जो भी क्यू का फैक्टराइजेशन होना चाहिए दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ टू टू दी पावर एन इन टू फाइव टू दी पावर एम राइट ये दिमाग में चल रही है चीजें अगर बच्चा पार्टी में यहाँ पर टू टू दी पावर जीरो लिख दूं तो कुछ गलत है क्या सोचो 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 थोड़ी सी बुद्धि लगानी है एंड यू गाइज आर रेडी टू गो टू टू दी पावर जीरो इफ एनी नंबर एनी हैज द एक्सपोनेंट इक्वल टू जीरो तो उसकी वैल्यू वन ही तो होती है और अगर मैं फाइव टू दी पावर फाइव में वन का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे फाइव टू दी पावर फाइव ही तो मिलेगा और ये मेरा टू टू दी पावर n और फाइव टू दी पावर m की फॉर्म में भी आ गया तो हम बोलेंगे दैट थर्टीन अपॉन थ्री वन टू फाइव इज वॉट इट इज अ

चले तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं लेट्स 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 मूव नेक्स्ट पोर्शन एंड एंड दिस ओके अपॉन अपॉन अगेन का फैक्टराइजेशन कर जल्दी से सी कि हमें ये 2 5 की में मिलता है या नहीं मिलता है चलो फैक्टराइजेशन तो हो गया अब मैं क्या लिख सकती हूँ राइट right? क्योंकि टू दी पावर जीरो बोले तो वन सो वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ टू टू दी दी पावर पावर तो हम बोलेंगे ये अपॉन एट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो एवर स्टेटमेंट यू गाइज यू गाइज कैन ऑल राइट सॉट क्लियर koi problem, do not forget to hit the like button, do not forget to share the video and your love and support really matters. So subscribe. Karna to banta. Right. Chali. Isi ke saath, let's move further, everybody. Uh, 64 upon 455 procedure is all same. You guys have to just use the same procedure. 455 ka par aapko factorization karna hai and you'll get the answer. Hai? Just try it by yourself and do let me know the answers in the comments below. ठीक है एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो दिन दॉमेंट बी वेटिंग सेम सीन अपॉन सिक्स का दीजिए फॉर योर सपोर्ट आई एम डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन यू गाइस लेट मी नो वेदर रैशनल नंबर इज इन द टर्मिनेटिंग पोर्शन और नॉन टर्मिनेटिंग पोर्शन ऑल राइट चलिए एट हंड्रेड फोर हंड्रेड टू हंड्रेड

टू टू दी पावर सिक्स इंटू फाइव टू दी पावर टू जो कि आपका टू टू दी पावर एन इंटू फाइव टू दी पावर एम की फॉर्म में है तो हम बोलेंगे येस इट इज टर्मिनेटिंग, येस इट इज टर्मिनेटिंग एवरी वन शॉर्ट एंड क्लियर कोई दिक्कत दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो आप बता दो आई एम देर टू क्लियर अप योर डाउट एवरीबाडी आई होप इट इज क्लियर सो दिस इज ऑल फॉर टूडे एवरीबाडी थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड मी पियल अग्रवाल जाने से पहले एक बात इंपॉर्टेंट है वो सुन लेते हैं uh, अगर अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं जल्दी से जाइए टू ज्वाइन टेलीग्राम इट इज ऑप से ल्यूथली फ्री ऑफ कॉस्ट यू वॉन्ट हाइव टू चार्ज सिंगल पेनी और जब हम ऐसे तो फ्री की चीजें मिलती मिलती हैं, हैं, इतनी अच्छी मिलती है, तो ग्राफ करना चाहिए ही चाहिए, मिस करने का तो कोई ही नहीं चाहिएग्राम पर तो अगर फॉलो नहीं किया, Instagram नहीं किया Instagram तो ऐसे उंगलियों के नीचे रहता है इफ़ यू है इंस्टाग्रामी इंस्टाग्राम डू लेट नो दैट वॉट

उसका हो जाता है ओनली वे बाई विच आई कैन गेट टू योर थिंग्स आपको क्या और नई चीजें चाहिए इंस्टाग्राम सो जस्ट गो एंड फॉलो अर्स डू यूज द कॉमेंट बॉक्स एंड डू लेट एस नो अबाउट योर रिव्यूज एवरी वन सो या दिस इज